दिवंत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको कहना यह चाहता था कि राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी तो गुजरात इलेक्शन का नतीजा है, तब तक केजरीवाल को भले ही इंतजार करना पड़े यहाँ दिसंबर तक, पर अभी फिलहाल गुजरात में राष्ट्रीय पार्टियों में जो होता है बीजेपी कांग्रेस में, वो केजरीवाल की आप पार्टी में भी दिख रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान हुआ यशुदान गढ़वी के नाम का, कांग्रेस के एक बड़े नेता जो आप में जुड़े थे राजकोट से, यानी सौराष्ट्र के बड़े नेता कह सकते हो, इंद्रनील राजगुरु, उन्होंने आपसे दिया है और वो वापस कांग्रेस में चले गए। वो वापस कांग्रेस में चले गए जी। तो ये अब केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टियों की तरह ही केजरीवाल की पार्टी में भी दिखने लगा। और दिवंत ये बताइए, गोपाल इटालिया कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, गोपाल इटालिया यशुदान गढ़वी से भी पुराने नेता थे, आप में पार्टी अध्यक्ष है। सबसे पहला रिएक्शन तो आज जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, खैर इटालिया को पता था कि यशुदान के नाम का ऐलान होने वाला है, पर गोपाल इटालिया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोलने खड़े हुए, केजरीवाल थे, यशुदान थे, बाकी बड़े नेता थे, तो गोपाल इटालिया के चेहरे से ही दिख रहा था कि वो बहुत दुखी है यशुदान के मुख्यमंत्री पद कैंडिडेट के ऐलान से। और वो बोल भी गए कि मेरे मन में जो वेदना है, वो बोलना चाहते हैं कि मैं जो संवेदना है, बजाय उसके बोल गए कि मेरे मन में जो वेदना है यशुदान के नाम के ऐलान के बाद, तो थोड़े हड़बड़ा भी गए थे, उनके चेहरे से भी दुख दिख रहा था। तो आप में भी अब एक बिखराव सा शुरू हो गया है। जैसे मैंने कहा कि गोपालिया इटालिया दुखी है, तो 50% तो उसका फोर्स डाउन हो गया आपको जिताने का। इंद्रनील राजगुरु जो एक बड़े नेता सौराष्ट्र के थे, सौराष्ट्र एक ऐसा गुजरात का हिस्सा है जहां बड़ी जानदार फाइट होती है तलवार की तलवार। इंद्रनील तो पिछली बार शायद रूपानी के खिलाफ लड़े थे चुनाव। हाँ लड़े थे, वो कांग्रेस के बड़े नेता भी है, और कांग्रेस से नाराज होकर वो आप में आए थे, और आप में बहुत उम्मीद उनको थी। उनको भी लगता था कि यशुदान से बड़ा नेता तो मैं हूँ, इतने सालों पुराना कांग्रेसी एमएलए और सौराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नाम, पैसा भी काफी है उनके पास। तो चुनाव में बहुत अच्छा लड़े थे रूपानी के खिलाफ, चुनाव भी अच्छा लड़े थे और अच्छे नेता भी है। तो स्वाभाविक है, हर एक मन आदमी के मन में लड्डू फूटता है जब ऐसा ऐलान होता है, तब हर एक, मैं भी माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ, हर एक को लगता है। तो वो नहीं बन पाए तो तुरंत उन्होंने आप छोड़ दी और वापस कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस ने अपना ये हाथ वाला केस उनको दुपट्टा पहना भी दिया तुरंत खड़े खड़े जी। आपको जी आप कुछ कह रहे थे? मेरा मानना है कि इस तरीके से नेताओं के छोड़ने से कोई, क्योंकि जो चुनाव है वो अब नेताओं से ज्यादा, एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, वो केजरीवाल आउटसाइडर हैं नहीं हैं इस पर, या जो मानने वाले हैं या उनके बारे में क्या परसेप्शन है कि वो बहुत अच्छा करते हैं या बहुत खराब करते हैं या बहुत बढ़िया, उस पर ज्यादा होता है, वो चाहे कहीं का भी हो। अब अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी एक नेता दूसरी तीसरी श्रेणी का चला जाएगा टीयर थ्री का, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क तो थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जैसे हार्दिक पटेल आ गए, अल्पेश आ गए, तो निश्चित रूप से उनको एक मॉरल बूस्टिंग और वो हो जाती है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक क्षेत्र के बड़े नेता हैं, काफी बड़े नेता हैं, और उनको क्योंकि अब यहाँ गणित ये भी तो है ना कि वो आदिवासी होना चाहिए, युवा हो, उसने एक बड़ा पॉइंट इनके साथ ये था कि 150 करोड़ रुपए का कोई घोटाले का इन्होंने पर्दाफाश किया था, यानी कि भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने वाला हो, तो वो जो इमेज का खेल है उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश होती है। और शायद यही सब कारण ऐसे हैं, क्योंकि गुजरात में ओबीसी का खेल बहुत बड़ा है, गुजरात में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़े मामले हैं, तो इसलिए वो नेताओं को मतलब जब तोला गया होगा, जब वेइंग मशीन पे आया होगा मामला, तो जितने कागज इनके ज्यादा रहे होंगे वो भी है, और बाकी गणित भी आप सब, हम सब जानते हैं कैसी कैसी गणित होती है, इसके पीछे कितने लोग हो सकते हैं, क्या है, वो एक कारण होगा। और हर जगह ऐसा ही होता है, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए ना, योगी आए थे तो मनु सिन्हा तो बनने के लिए तैयार बैठ गए थे हवाई जहाज पे, उनका क्या हुआ था, वो बात दूसरी की, उनको बीजेपी भी थे तो दूसरी जगह दे दी गई थी। तो एक नहीं थे, केशव मौर्य, ये वो, तो बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में अलग अलग, आपसे कितने लोग दूर हुए हैं, पूरी पूरी सेकंड लेयर गायब हो गई है पूरी पूरी, लेकिन ये भी है कि तब भी वो चीजें बढ़ी तो रही है ना अपने हिसाब से जी, अगर मुझे गलत हो तो जरूर बताएंगे धीमन जी। नहीं, धीमन कुछ बता रहे हैं जी, जैसे कि आपने बताया कि
आप में से कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता, मैं इसीलिए नहीं मानता हूँ। आप दिल्ली और आप गुजरात अलग है, और बीजेपी तो पूरी तरह ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है, आपको भी पता है। बीजेपी में कोई बड़ा सा बड़ा नेता, मान लीजिए आज अमित शाह भी चला जाए, तो अमित शाह भी चले जाए तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि बीजेपी मींस मोदी है, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। तो बीजेपी में मोदी के अलावा कोई भी नेता आया चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात में मान लीजिए अभी भूपेंद्र पटेल और सी आर पाटिल भी चला जाए तो इस इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुजरात में वोट पड़ने हैं मोदी के नाम से। आप में ऐसा इसीलिए नहीं है गुजरात में, कि वैसे भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन गुजरात में है नहीं। ऐसे में गुजरात का एक बड़ा हिस्सा सौराष्ट्र, मोस्ट क्रूशियल हिस्सा मैं कहूंगा गुजरात का इलेक्शन और पॉलिटिक्स के हिसाब से, वहां अगर आपका सबसे बड़ा चेहरा जिसके नाम पे आपको आपको यानी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वोट मिल सकते थे, वो चेहरा ही पूरा खिसक जाए तो सौराष्ट्र में आप करेंगे क्या? वैसे भी आप नुकसान में चल रहे थे और ये और एक बड़ा नुकसान हो गया मेरे हिसाब से, बहुत बड़ा झटका। इसीलिए कह सकते हैं कि इसुदान गढ़वी भी इसी सौराष्ट्र से आ रहे हैं, तो इसुदान गढ़वी को जितना फायदा इंद्रनील राजगुरु से मिलने वाला था वो पूरी तरह माइनस हो गया। एक बहुत बड़ा नुकसान इसुदान गढ़वी के लिए और आपके लिए, केजरीवाल के लिए भी है। एक बड़ा नाम और एक ऑर्गेनाइज, सिर्फ इंद्रनील राजगुरु का मामला नहीं है, उनके साथ जो कार्यकर्ता आने वाले थे वो सभी कार्यकर्ता अब आपसे हटकर कांग्रेस की ओर चले गए, तो आपके पास सौराष्ट्र में दूसरा बचा क्या? 50% नुकसान मेरे हिसाब से सौराष्ट्र में खड़े खड़े हो गए। जी विनोद जी, आप कुछ बोल रहे थे, उसके बाद दिमन से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, मैं देखिए जो धीमन जी ने कहा, मैं लगभग उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गुजरात मेरा भी बहुत करीब से देखा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा किसी राज्य को जानता हूँ तो गुजरात को जानता हूँ, क्योंकि लगातार मैं गुजरात आता जाता रहा हूँ और कवर करता रहा हूँ। और इंद्रनील राजगुरु निश्चित रूप से सौराष्ट्र के बड़े नेता है, और पिछली बार चुनाव बहुत, एक बार तो लगने लगा था कि रूपाणी चुनाव हार जाएंगे, ये परसेप्शन चल रहा था, लेकिन वो बाद में जीत गए, अलग बात है, बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ रहे थे वो। देखिए जहां तक बीजेपी जैसी पार्टी की बात है, तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि मैं थोड़ी बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि वहां इंडिविजुअल से ज्यादा संगठन का महत्व है, क्योंकि उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की जो संस्था है ना, मोदी को भी, अगर मोदी बीजेपी से बाहर चले गए होते 2013 में तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, चाहे कितनी लोकप्रियता होती, ये भी ध्यान रखिए, मोदी जानते थे इस बात को, इसीलिए मोदी प्रधानमंत्री बने। और ये संघ का संगठन और संघ की विचारधारा और मोदी जी की लोकप्रियता, ये एक सिनर्जी बनती है बीजेपी में, जैसे अटल जी और के समय बनी थी उसी तरह मोदी जी के समय, और बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है बीजेपी जैसी पार्टी में, चाहे जो जितने बड़े आप नाम ले लीजिए। आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में वही है जो बीजेपी की देश में है, ये बात सही है, लेकिन लेकिन आप देखिए पंजाब में आखिर भगवंत मान को उतारना पड़ा ना मैदान में, अरविंद केजरीवाल को आखिरी समय में, बिल्कुल जब ये हुआ कि अगर नहीं उतारेंगे तो 2017 रिपीट हो जाएगा, और तब उनको उतारना पड़ा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि स्थानीय नेता का महत्व तो नहीं होता, स्थानीय नेता का महत्व तो होता है, और खासकर ऐसे राज्य में जो बड़ा राज्य है और जहां तमाम सारे सामाजिक समीकरणों के मामले में आप बिल्कुल नए हैं, आपका वहां कोई संगठन नहीं है, कोई आंदोलन आपका वहां नहीं है, कोई आपकी वहां ग्रास रूट लेवल पे वो नहीं है, तो ऐसे नेताओं को ही जोड़ करके पार्टी बनती है। वो इंद्रनील राजभरा आ गए, गोपाल इटालिया आ गए, या ये आ गए आपके गढ़वी आ गए, इस तरह जो तमाम छत्रप किस्म के नेता होते हैं इनको जोड़ के ही पार्टी बनती है। तो इसलिए जो धीमंत कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इंद्रनील राजगुरु के जाने का नुकसान बीजेपी, इसको आम आदमी पार्टी को सौराष्ट्र में उठाना पड़ेगा, और गोपाल इटालिया के डाउन होने का भी नुकसान उठाना पड़ेगा, जो पाटीदार वोट थोड़ा बहुत कुछ इंद्रनील राजगुरु और ये खींच सकते थे सौराष्ट्र से, वो अब बीजेपी के साथ सीमेंटेड हो जाएगा। जहां तक ओबीसी की बात है, तो ओबीसी का मुद्दा, गढ़वी की पहचान ओबीसी नेता के रूप में नहीं है, गढ़वी की पहचान एक पत्रकार के रूप में, एक टीवी एंकर के रूप में, उस तरह के एक्टिविस्ट की पहचान है। ओबीसी की पहचान तो अल्पेश ठाकुर की थी, जिसने ओबीसी का पूरा मुद्दा उठाया था, याद करिए उस दौर जब ओबीसी आरक्षण को लेकर के, पटेल आरक्षण को लेकर हार्दिक पटेल और ओबीसी को लेकर के अल्पेश ठाकुर थे, और अल्पेश ठाकुर ने भी जब कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े तो अपना चुनाव हार गए। अब ये भी देखिए, ऐसा नहीं है कि चीजें चुनाव में बहुत तरीके से होती हैं, और इतना जरूर है कि गढ़वी के कैंडिडेट बनाए जाने से अल्पेश ठाकुर जैसे जो पिछड़ी जाति ओबीसी नेता है बीजेपी में, उनका महत्व तो बढ़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी उनको थोड़ा महत्व तो देगी, और इसलिए वो उनको, अब जैसे एक सवाल बार बार होता है क्योंकि कि भाई 2017 में इतना बड़ा पाटीदार आंदोलन था, फिर भी जो पटेल बहुल सीटें थी वहां भी बीजेपी जीती शहरों में,
क्यों जीती? क्यों? इसलिए कि हार्दिक पटेल को सुना तो लोगों ने लेकिन भरोसा नहीं किया। भरोसा उनको पुरुषोत्तम रूपाला, गोवर्धन झड़फिया, नितिन पटेल, इन्हीं सब पर था, दिलीप संघाणी, जो मतलब भाजपा में अलग अलग पटेल नेता थे, तो अल्टीमेटली वो उन्हीं के साथ गए। यही ओबीसी का भी है, ओबीसी में बीजेपी के पास और भी कई नेता है। तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव जो है उसमें बहुत सारे पेच अभी आने हैं, और अभी हम लोग कांग्रेस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? 12 तारीख को हिमाचल खत्म, हिमाचल का चुनाव पूरा हो जाएगा, उसके बाद प्रियंका गांधी तो कैंप करने वाली है वहां पर गुजरात में, सारा प्रोग्राम तय हो चुका उनका। और कांग्रेस ने जो जो भी है, कांग्रेस का अपना जो आधार है, और सौराष्ट्र में अब कांग्रेस को फायदा होगा इंद्रनील राजगुरु के जाने का, बड़ा फायदा होगा। तो ये सब चीजें अभी चुनाव तक कई समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, और उसके बाद क्या नतीजे आएंगे तब हम आगे की बात करेंगे। लेकिन असली सवाल जो है दिल्ली का क्या होगा, जिस पर आपने मुझे बुलाया था आलोक जी, कि दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, एमसीडी की का चुनाव उसकी नाक का सवाल है। वो ऐसा नहीं है कि एमसीडी के चुनाव चाहती कि हार जाए बीजेपी की बनी रहे। बीजेपी अगर एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई और बीजेपी फिर रिपीट कर गई, तो आप समझिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र आम आदमी पार्टी के ऊपर लग जाएगा कि साहब ये दिल्ली की जनता ने इनको खारिज कर दिया, दिल्ली की जनता ने इनको खारिज कर दिया। और उसके बाद ये रिटोरिक जो है और ये नैरेटिव जो है ये चलेगा पूरा लोकसभा चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक, क्योंकि लोकसभा चुनाव फिर होगा, और लोकसभा चुनाव में आप देखिए दिल्ली का जो जनता का जो रुझान रहता है कि 2020 में 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिलती थी, कांग्रेस शून्य पर रहती है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नंबर 2 रहती है हर सीट पे, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे आ जाती है। बीजेपी तो जीतती जीतती तो स्वीप करती है 14 में भी और 19 में भी, लेकिन कांग्रेस भी नंबर 2 पे आ जाती है, और फिर 2020 में फिर वो फिर शून्य पे आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न ही अलग है। तो आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी जीतना बहुत जरूरी है, ये उसके लिए अपने कैडर के लिए भी अपने उसके लिए। इसलिए ऐसा नहीं कि एमसीडी का चुनाव कोई वो उत्तराखंड की तरह हिमाचल की तरह वो गिव अप कर दे। अब वो स्ट्रेटजी जरूर बनाएंगे, हो सकता है मनीष को यहाँ कैंप कराएं, संजय सिंह हैं और उनके जो दिल्ली के नेता हैं गौरव चड्डा, राघव चड्ढा वगैरह, वो उसमें लगे, अरविंद केजरीवाल वहाँ फोकस करें, तो ये सब रणनीति करेंगे, लेकिन दिल्ली का चुनाव भी उनके लिए एक बड़ा चुनाव है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।